अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, क्या हाल है? सब खैरियत ठीक ठाक। आज की हमारी रेसिपी है जी पिज़्ज़ा पराठा की। तो सबसे पहले हम ये आटा गूंथते हैं पराठे के लिए। ये हमने लिए मैदा, आप दूसरा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन जो पिज़्ज़ा पराठा बनता है वो मैदे के आटे से बनता है। ये लिया आधा किलो आटा, सॉरी मैदा। इसको अच्छी तरह, ये मौसम इस तरह का, इसको अच्छी तरह साफ कर छान लेते हैं। उसके बाद डाला हमने नमक इसके अंदर में, हसब जाएगा तकरीबन एक चम्मच छोटा डाल दिया, मिक्स कर लें इसको। उसके बाद हमने डाले दही तकरीबन दो चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, साथ में थोड़ा सा ऑयल डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह मिक्स करें इसको। ये पिज़्ज़ा पराठा की डोज बनानी है, इसके अंदर ईस्ट वगैरह नहीं डालना, हमने पानी डाले, इसको अच्छी तरह भून लें। ये चेक करें माशाल्लाह, ये हमारा आटा चेक करें, बिल्कुल ये तैयार है बना के। ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए रखने, तकरीबन 15 से 20 मिनट, आधा घंटे भी रखें मुश्किल नहीं। उसके बाद इंशाल्लाह इसके पेड़े बनाएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, ये बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गया, इसके पेड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये हमारे चार पराठे हैं, एक दो तीन और एक चार। अब इसको हमने वो उसी तरह पेड़े, चेक करें, चिकन डालना है उसके लिए। पराठे में जो चिकन डालना है उसके लिए बना रहे हैं, आधा किलो चिकन है, चार पराठे हो गए। तो चेक करें इसकी बनाई हो रही है। अब इसके अंदर डालना है नमक, हसब जाएगा तकरीबन आधी चम्मच आएगी, कम ज़्यादा हो तो फिर डल जाएगा, मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये जीरा है, धनिया है एक चम्मच,
उसके बाद ये मसाला मिक्स, ये एक डेढ़ चम्मच डाल दें, ये टेस्ट से सारा इसी से टेस्ट लेंगे। चुप नहीं, थोड़े से साथ में सिरका डालें, तकरीबन एक चम्मच। और एक चम्मच सोया सॉस का। चेक करें माशाल्लाह। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने क्वांटिटी बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भून के बाद में ठंडा होने के लिए रखना है, ऐसे नहीं डालना है, सही बनेगा नहीं डालना। अच्छी तरह से भून, बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च। बिस्मिल्लाह, ये हमारे जी बिल्कुल रेडी हो गया वो चिकन अपनाते पराठे। पराठे तैयार करके उसके बाद इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये पराठे हमने रेडी कर लिए, अब इसको बनाते हैं जल्दी जल्दी हम केकली तौर पे। पराठा बिस्मिल्लाह रहमान, सबसे पहले केचप, उसके ऊपर ये गोश्त डालना है, इसके अंदर चिकन, उसके बाद मैनेस, उसके बाद आ गई हमने चीज, चेटर चीज है, इसको मैंने कद्दूकस किया हुआ है, इसके बाद एक ऊपर पराठा बिस्मिल्लाह है। अब इसको करना है फ्राई, फ्लेम को करते हैं ऑन, इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर डाले थोड़ा सा घी, ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो गर्म होने दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंशाल्लाह बहुत लाजवाब पराठा बनेगा। रेडी है,
लेम्बू करते हैं और इसको करते हैं कटिंग। बिस्मिल्लाह डालें माइनस साथ में इनका स्केचअप और दोनों में याद रखें माशाल्लाह पराठा चेक करें बिल्कुल रेडी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ होती है मुलाकात। में बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।